यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ। आज भी मैं प्रोजेक्टाइल के ही सिलसिले में रहूँगा और प्रोजेक्टाइल में इस बात का ध्यान देना है कि थोड़ा और एडवांस लेवल पे आते हैं। यहाँ पर एडवांस लेवल का तात्पर्य है कि मैं दो प्रोजेक्टाइल को टू डिफरेंट पॉइंट से प्रोजेक्ट करूँगा, एक ही प्लेन में दोनों रहेंगे। इसका तात्पर्य ये है कि दोनों की कोलिजन में पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर कोलिजन है तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ कोलिजन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कोलिजन एंड फाइनली व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन, यही आज हमारा प्रमुख चैप्टर है, इस पर हम फोकस करें। नेक्स्ट, यस, इसमें आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड देयर कोलिजन कंडीशन प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर इन द सेम प्लेन और दे लाई इन द सेम प्लेन, अदरवाइज हाउ कैन देयर बी कोलिजन। चलिए मैं इस बात को आता हूं और आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूं, आंसर आ जाएगा, बहुत बेहतर ढंग से आप समझ जाएंगे। कंसिडर दिस इज टू बी द हॉरिजॉन्टल, मैं पहला केस लेता हूं हॉरिजॉन्टल केस को। एक प्रोजेक्टाइल आप यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, दो प्रोजेक्टाइल लेते हैं। कंसिडर दिस टू बी द ग्राउंड लेवल, नॉर्मली ग्राउंड और एनी लेवल सरफेस नॉट नेसेसरली टू बी ग्राउंड, नॉट नेसेसरली टू बी ग्राउंड। यहां इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है लाइन के नीचे जाके भी टकराए, आप ऊपर फेंकिए, ऊपर में नहीं टकराएगा, नीचे आने के बाद टकराएगा, तो ग्राउंड हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर आपका ये लैंग्वेज होगा एनी लेवल सरफेस, लेवल मतलब एक ही लेवल पर होंगे, नॉट नेसेसरली टू बी ए ग्राउंड। मैं इसका आपको एग्जाम्पल और बेहतर ढंग से समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सपोज कीजिए एक प्रोजेक्टाइल है इस दिशा में फेंका गया, आई कंसिडर दिस टू बी द ए, और दूसरा प्रोजेक्टाइल को मैंने इस दिशा में फेंका, कंसिडर बी अंडर ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेनर मोशन 2D है लेकिन अंडर ग्रेविटी है। लेट अस कंसीडर दिस टू बी द अल्फा एंगल एंड दिस टू बी द बीटा एंगल। अब आपको क्या करना है, ये ए है और ये बी बॉल, से सपोज कीजिए ये ए बॉल है या बी बॉल है या पार्टिकल्स भी कंसीडर कीजिए। नाउ व्हाट इज इट्स यूएक्स वेलोसिटी, यू ए अलोंग एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा अगर आप कंसिडर करते हैं, तो दिस इज, इसका नाम भी दे दीजिए यू ए दे दीजिए, और इस दिशा में अगर इसे फेंकें इसका नाम क्या दे दीजिएगा यूपी। इस दिशा में इसका कंपोनेंट क्या हो गया बच्चे लोग, यू ए कॉस अल्फा, ये तो आप समझ ही गए हो, और इस दिशा में इसकी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज यू बी कॉस बीटा, ये अच्छी बात। इस दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कितना हो जाएगा, ये भी आप समझ रहे होंगे, यू बी साइन बीटा, बेहतर ढंग से समझते हो। और इसकी वर्टिकल में कितना हो जाएगा बच्चे लोग, अगर इसकी वर्टिकल की बात करें हम लोग, तो बहुत आसान सी बात है, कई बार हम लोग पढ़े हैं यू ए साइन अल्फा, इसके डायरेक्शंस को हम लोग वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए है इसलिए यू ए कॉमा वाई नाम दे दिए, और इसीलिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो यू बी कॉमा वाई डायरेक्शन दे दिए, ये वेलोसिटी इस दिशा में जा, इसके इक्वल टू का साइन आप दे दिए। ठीक, अब अगर ये कोलिजन होगा तो दो बात को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं हम लोग, अगर एक ही लेवल से है और कोलिजन्स की बात उठता है दो प्रोजेक्टाइल में, तो यूएस साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू यूएस यूबी साइन बीटा, ताकि ये दोनों एक ही लेवल पर रहे और नजदीक भी आता जाए, एक ही लेवल पर रहे और नजदीक भी आता जाए, तो इसकी कंडीशन हो सकता है कि ये ऐसे आ जाए और ये ऐसे आ जाए, तो ये दोनों का कोलिजन्स आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों का लेवल हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब ये अगर यहाँ पर उठा है ये बॉल भी ऐसे जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे बढ़ते हुए आपका किसी भी जगह पर कोलाइड कर सकता है, लेकिन हर जगह पर अगर ये इस ऊंचाई पर पहुंचेगा तो ये इस ऊंचाई पर पहुंचेगा, ये दोनों लेवल अगर ये इस ऊंचाई पर पहुंचेगा तो ये, इसका मतलब है नजदीक आएगा लेकिन दोनों की ऊंचाई सेम होना चाहिए। तो मेरा पहला कंडीशंस हो गया, फर्स्ट कंडीशंस ऑफ कोलिजन, फर्स्ट कंडीशंस ऑफ कोलिजन फ्रॉम सेम लेवल
अगर सेम लेवल से है तो क्या कंडीशन आपको मैंने बताया, यूए साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू यू बी साइन बीटा, ये पहला कंडीशन होगा। और दूसरा क्या होगा, इसका रेंज और उसका रेंज और दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस मान लीजिए, इन दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस को डी मान लीजिए आप, चलिए दोनों के फ्लैट जगह पर डी है, तो इसका रेंज आर वन हो और इसका रेंज अगर आर टू हो, मतलब हम अगर इसे फेंके, ये रेंज आर वन है और इसका रेंज अगर आर टू है, अगर आर वन प्लस आर टू इज ए ग्रेटर देन डी तो सत्या कोलिजन होगा। तो पहला ये कंडीशन हो गया, और दूसरा क्या होना चाहिए, रेंज ए प्लस रेंज बी मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू सेपरेशन डिस्टेंस डी, देन ओनली कोलिजन होगा, अदरवाइज क्या होगा, ठीक है दोनों साथ साथ ऊपर जाएगा लेकिन ये दोनों पहले ही गिर जाएगा और बीच का गैप रह जाएगा, तो कोलिजन कैसे हो पाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, सपोज कीजिए आपने इसको ऐसे फेंका, आप ध्यान से देखिए, ये आपने इधर फेंका था, ये इधर फेंका था और ये हॉरिजॉन्टल था, सपोज कीजिए ये यहाँ पर गिर गया और यहाँ पर गिर गया, बोलिए कोलिजन होगा, ये तो गैप छूट गया ना, मैंने इसे यू ए दिया था और इसे यू बी दिया था और ये डी डिस्टेंस दिया था, इस डिस्टेंस को मैंने आर वन दिया था रेंज ऑफ द फर्स्ट, और इसे क्या दिया था आर टू रेंज ऑफ द सेकंड, आर ए भी आप दे सकते हैं, मैं ए और बी की बात किया है, ए दे दीजिए बी, इस केस में क्या होगा, नो कोलिजन, जबकि ये दोनों साथ साथ था, दोनों का ये वेलोसिटी सेम हो सकता है, यू ए वाई डायरेक्शन का और यू बी वाई डायरेक्शन का मे बी सेम, ये सेम है, फिर भी कोलिजन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एक लेवल पर आने के बावजूद भी सेपरेशन रह गया। नेक्स्ट, अब हमारे इसके ऊपर एक छोटे से प्रॉब्लम्स को बनाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रॉब्लम्स आपके पास आ गया, ये देखिए आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये पूरे के पूरे अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन है, अंडर ग्रेविटी जहां जी को कंसिडर करना पड़ेगा, ये पहला प्रोजेक्टाइल है भी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा प्रोजेक्टाइल है अलोंग वर्टिकली अप है, यहां पर इंक्लाइन नहीं है, ये इंक्लाइन है, ये कैसे मूव करेगा, जब भी जाएगा तो ये ऊपर जाएगा और ये दोनों कोलाइड करेगा, तो प्रश्न ये उठता है कि डिस्टेंस एक्स कितना है, ये पूछ रहा आपके पास है, 20 मीटर पर सेकंड से पहला प्रोजेक्टाइल को फेंका गया थीटा डिग्री से और दूसरा ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री है, ये अंडरस्टूड, ये 90 डिग्री। चलिए आपके पास आता है कि पहला है कि फाइंड द एंगल थीटा, किस एंगल पर फेंके कि उस पर इसको जाके कोलाइड कर ले और कितना देर में कोलाइड करता है, आफ्टर हाफ सेकंड, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपका पहला टास्क क्या होना चाहिए कि देयर वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट मस्ट बी सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 साइन थीटा ये वाला हो गया मस्ट बी इक्वल टू 10, दैट इज आंसर, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री, ये तो आपका आंसर आ गया, पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट ये पूछता है कि डिस्टेंस एक्स कितना है ताकि ये कोलिजन हो सके, ये टाइमिंग आपको दिया हुआ है, कितना टाइमिंग पर लगता है, हाफ सेकंड पर लगता है, ये बात को भी आपको ध्यान देना है, ये हाफ सेकंड पर कोलाइड करता है। चलिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखिए तो क्या इसकी कंपोनेंट है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल में, नहीं इसकी कंपोनेंट है, लेकिन ये है कितना, दिस इज इक्वल टू 20 कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, ऑब्वियसली जीरो, चूंकि 10 कॉस 90 डिग्री मस्ट बी जीरो, अब इसको कवर करना है ये डिस्टेंस का, एंड लेट अस सपोज टी इज द टाइम ऑफ कोलिजन, तो दूसरा बात मान लीजिए, लेट टी टाइम ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन का टाइम, फिर से आप ध्यान देंगे, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने की बात कह रहा, अब आप देखिए ये इस साइड मूव करता है और इसकी कंपोनेंट को ले लीजिए, ये दोनों मिला के आपको कितना ये डिस्टेंस कवर करना है, एक्स डिस्टेंस कवर करना, और उसके लिए टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है, हाफ सेकेंड है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, velocity equal to क्या होता है, relative velocity horizontal directions का, a with respect to b, किस direction में आप ले रहे हैं, x direction में, must be equal to displacement x and time t, चलिए ये relative velocity कितना है, आपके पास 20 cos 30 degree, क्योंकि theta 30 degree आ चुका है, और दूसरा वाला minus है, वो तो zero है, छोड़ दीजिए उसे, x की value नहीं जानते हैं, और time t equal to half second है, इसका मतलब क्या हो गया, 20 cos 30 equal to root 3/2 and 2x, ये तो हम लोग लिख सकते हैं,
ये 2 से ये कटता हुआ 10, इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 5√3 मीटर आ गया, ये आपने पकड़ लिया। तो ये मतलब आपके पास आ गया कहां, लेकिन एक प्रश्न इसमें नहीं पूछा है, आप जरा से ये गेस कीजिए कि वेयर दे कोलाइड। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपको, क्वेश्चन में नहीं है, यहां क्या पूछा, फाइंड द एंगल थीटा एंड डिस्टेंस x। थर्ड मैं अपनी तरफ से देखता हूं इस क्वेश्चन में, वेयर दे कोलाइड, आप इसे फॉलो अप कीजिए, मैं आपको एक मिनट का मौका देता हूं फॉलो अप कीजिए। आप क्या कहिए, कैसे कहां कोलाइड करेगा, अरे भाई ये तो इसी लाइन पर न जाएगा, बताइए जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये जब यहां पर आएगा तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, और देखिए जब ये इस जगह पर आए, ठीक अगर ये पार्टिकल भी यहीं पर पहुंच जाए अब क्या होगा, देयर मस्ट बी कोलिजन। पकड़ लिया आपने मेरी बात को, तो इसका मतलब है दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन, यही पॉइंट ऑफ कोलिजन का हुआ। अब अगर ये पॉइंट कोलिजन का है तो इसका लोकेशन क्या होगा, एक तो x तो एकदम फिक्स ही हो गया, x तो ये रहेगा ही 5√3, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5√3 मीटर, ये तो x कोऑर्डिनेट हो ही गया इसका। नाउ व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के लिए कितना देर का आप समय लीजिएगा, वही हाफ सेकंड में ये कितना ऊपर जाएगा, तो आप सिंपल से एनालाइज कीजिए, वेयर दे कोलाइड x इक्वल टू क्या हो चुका है 5√3 मीटर, जो आपके पास ये पहला पार्ट आया था। नाउ व्हाट इज द y, y किसका लीजिएगा, b का लीजिएगा, कितने देर में लीजिएगा, t इक्वल टू हाफ सेकंड में, ये कितना ऊपर उछल के चला गया है अपनी लाइन पर। तो क्या फॉर्मूला, सिर्फ कोई रिलेटिव मत लीजिए, sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay इंटू t स्क्वायर। चलिए sy तो आपको निकालना ही है, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज ये uy, अरे भैया ये तो दिया ही हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, नो नीड टू फाइंड कंपोनेंट, एंड टाइम कितना है हाफ सेकंड है प्लस हाफ, ए वाई नीचे की ओर है इसलिए माइनस 10 हो जाएगा, और टी का स्क्वायर है दैट इज 1/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 यहाँ से ये कटेगा 5/4 माइनस 5/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5/4 ऑब्वियसली 15/4 मीटर। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यहाँ पर एक आ गया ये कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बचे तो कितना आ जाएगा 15/4 मीटर। तो आपने पकड़ लिया ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है, लेकिन मैं जब इसको इस साइड जब टाइमिंग निकाल रहा था, ये जब एक्स निकाल रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, इसको कर्व वाले को थोड़ी लेना रहता है, डिस्प्लेसमेंट उस दिशा में वेलोसिटी और उस दिशा में टाइम लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास हो गया। ए पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, यस दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन, दिस एंगल इज 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से है। एट द सेम टाइम ए सेकेंड पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, विद इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट बी से है, एंड दे आर सेपरेटेड बाई 100 मीटर, एक्स इक्वल टू 100 मीटर हो गया। इफ द पार्टिकल्स कोलाइड इन एयर, कंडीशन दिया हुआ है, लेट अस सपोज पार्टिकल कोलाइड्स इन एयर, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल बी, अल्फा की वैल्यू बताइए, एंड दूसरा टाइम ऑफ कोलिजन, ये कितने देर में कोलाइड करते हैं, और तीसरा लोकेशन ऑफ कोलिजन, तीनों करना होता है। कंडीशन में क्या है कि इफ द पार्टिकल्स कोलाइड इन एयर, चलिए आपके पास क्या पहला टर्म आता है जो मैंने आपके साथ हमेशा डिस्कस किया है कि अगर एक ही लेवल पर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर एक ही लेवल पर है तो वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया 60 sin 30, ये वाला वेलोसिटी हो गया, ये वाला 16 sin 30, और इधर से क्या हो जाएगा 50 sin alpha, दे मस्ट बी इक्वल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ द वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल, तो 60 sin 30 degree इक्वल टू 50 sin alpha। इस वैल्यू से आपके पास बहुत सारा चीज आ जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, ये 6/5 हो जाएगा, दिस इज हाफ हो जाएगा, और ये साइन अल्फा हो जाएगा, 0 से 0 6/5 sin 30 हाफ, ये भी वैल्यू कट जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, एंड दिस ऑब्वियसली इक्वल टू 37 डिग्री। अभी नहीं, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 37, हम लोग ले सकते हैं या जरूरत नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग जानते हैं 3/5 ऐसे आ जाइए, आपको मैं आइडिया बता दूं,
कि ये 3 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 5 होते हैं, तो ये 37 डिग्री है। मैंने कई बार इसकी रेफरेंस किया। चलिए अल्फा की वैल्यू तो आ गया। दूसरा है व्हेन द टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा, तो इस बार टाइम ऑफ कोलिजन आपको निकालना है। टाइम ऑफ कोलिजन के लिए आपके पास क्या दिख लीजिएगा, ये कंपोनेंट आप ले लीजिए, इधर माना बच्चे, ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 60 cos 30 degree इस साइड हॉरिजॉन्टल, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 50 cos alpha। मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर ढंग से आप समझ गए। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, ठीक है, इस दिशा में एक्सीलरेशन आप जानते हैं कि दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन इस दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो भी एक्सीलरेशन है डाउन, जी डाउनवर्ड्स है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इस दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी और इस दिशा का रिलेटिव वेलोसिटी आप अगर निकालिएगा तो आप क्या लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, किस दिशा में आप लीजिए, एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 60 cos 30 degree, एंड माइनस ऑफ माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 cos alpha। ये वैल्यूज को आप ले लीजिए तो 60 हो गया, cos 30 इक्वल टू रूट 3/2 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, cos अल्फा की वैल्यूज आप अगर यहाँ से लेते हैं तो 3/5 हो जाएगा, ये पहले ही मैं बता दिया 3/5 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 30 और रूट 3 का 1.7 प्लस 30 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 51 प्लस 30। चलिए इसका मतलब ये कितना हो गया, 81 वैल्यू आ गया, मैं जो हम तक समझ रहा हूँ, 50 कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस अल्फा 4/5 आ जाएगा ना भाई, कॉस बाई 4 फ्रॉम मिस्टेक हमारा हो गया, दिस इज 4/5 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भी 40 हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 91 है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हुआ, बाकी तो आप कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू हो गया। नाउ व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन, इस दिशा में एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑफ ए एज रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन नहीं है। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट है 100, तो आपके पास क्या लिखिएगा, एस ए कंसिडर टू बी रिलेटिव वैल्यू इक्वल टू यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एक्स डायरेक्शन का इंटू टी, अब प्लस एक्सीलरेशन तो 0 है, इसलिए बच्चे लोग टी का वैल्यू क्या हो गया, एस ए बी कितना दिया हुआ 100 डिवाइडेड बाय 91, इसे अगर हम लोग लेंगे तो 1 point something आ जाएगा, लेट अस सपोज 1.0 लगभग 6 की करीब आ जाएगा, इतना सेकेंड हो गया, हम इसे 1 second भी आप मान सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट के लिए 1.06 second आ गया, ये वैल्यूज आ गया, तो दिस इज द टाइम भी आ गया और ये वैल्यू दोनों में ना, लोकेशन ऑफ पॉइंट क्या होगा, तो अरे भाई लोकेशन के लिए रिलेटिव लेने की क्या जरूरत है, इस पार्टिकल को लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर हुआ, बात समझ रहे हैं, कितने देर में, इतने देर में, तो उसी जगह पर तो जाके कोलाइड करेगा, तो कोई एक लीजिए, या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, नो नीड टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब आप क्या कीजिएगा, लोकेशन, लोकेशन कंसीडर सिंगल, एक को लेके आप लोकेट कर लीजिए, कंसीडर सिंगल आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 1.06 second, जो मैंने लिखा था यहां पर, चलिए इसको इस ले लीजिए, ए को ही कंसीडर कीजिए, सिंगल में किसको ले ले, ए को ले ले, आप बी को भी ले सकते हैं, दोनों का सेम लोकेशन आएगा, यहां से लीजिए ये 0, इसे कोऑर्डिनेट को 0 0 मानिए, और चलिए एस एक्स कितना हो जाएगा, यहां पहले निकाल लीजिए, वॉट इज एस एक्स, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये तो हो गया। नाउ वॉट इज द यू एक्स, यू एक्स की वैल्यू कितना आप पहले ही निकाल चुके हैं, 60 cos 30 degree, तो दिस इज 60 cos 30 की वैल्यू आपके पास है रूट 3/2, एंड टाइम रफली आप 1.06 ले लीजिए, अब प्लस ये टर्म तो 0 हो गया, तो ये 30 हो गया, अब 30 रूट 3 का मतलब 30 1.7 इंटू 1.6 1.06 सॉरी 51 1.06, ये आप लगभग ले सकते हैं 52 meter आ गया, तो 52 meter एस एक्स आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक में आप अगर आते हैं इसकी, ये ऐसे करके सपोज कीजिए और ये ऐसे करके आया, यहाँ पर कोलिजन हो गया, तो ये निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना वैल्यू आ गया 52। नाउ यू कैन सर्टेनली फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कैसे जाएंगे, एक बार आप इस पर आ जाएंगे, व्हाट इज एस वाई बच्चे लोग, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यू वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप इसके पास तो निकाल ही चुके हैं 60 sin 30 degree, 60 sin 30 का ये वैल्यूज भी हम लोग लिए थे 30, तो यहाँ पर 30 आ गया, और टाइम कितना है 1.06 है प्लस हाफ, ए वाई का वैल्यू कितना है -10 है,
और टी का 1.06 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू उसको सॉल्व कर लीजिए उतना मीटर में आ जाएगा आंसर। मैं इसे छोड़ देता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरह से आपने इसका तीनों चीज निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। अब लेवल खत्म हो गया, दोनों हाइट पर, या एक लेवल पर है दूसरा हाइट पर है, हम दोनों को देते हैं कुछ हाइट पर, टाइप टू प्रॉब्लम आ जाएगी बेहतर ढंग से। प्रोजेक्टाइल है, डबल प्रोजेक्टाइल है, कोलिजन भी होगा और नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्लेन पर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर दिस इज द केस। थ्योरी पहले समझ ले, न्यूमेरिकल इसके बाद डेटा सेट कर देंगे। लेट अस सपोज दिस इज द ए बी, एक टावर है, इसकी ऊंचाई एच वन है, दोनों के बीच की गैप डी डिस्टेंस है, और इसका नाम भी कुछ दे दीजिए। लेट अस सपोज इट इज सी डी, इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, दिस इज सी और डी हो गया, दोनों की गैप हो गया डी। अब देखिए बच्चे, आप यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकिए, लेट अस सपोज दिस इज ए, कितने स्पीड से फेंके, वी ए से, इधर भी फेंकिए कितना स्पीड से फेंके, वी बी से फेंके, इस एंगल को क्या ले लीजिएगा, रफली ले लीजिए बीटा ले लीजिए, और इसको क्या ले लीजिएगा, हम लोग हॉरिजॉन्टल से अल्फा ले लीजिए, इतने सब कुछ दिया हुआ है। अब ये सब पूछता है एक ही प्लेन में, प्लेन सेम है, प्लेन सेम है, अब इसमें कोलिजन को कैसे सॉल्व करेंगे, कितने टाइम पर, कहां और कैसे होगा, इसके लिए आप रिलेटिव स्पीड में जाइए, क्या होना चाहिए, इसको मिला दीजिए ऐसे, इस पॉइंट को मिला दीजिए, और ये हॉरिजॉन्टल से इसकी एंगल को आप मान लीजिए थीटा, मान लीजिए इसको लाइन को मिलाने पर ये थीटा आता है। अगर इसका और इस पार्टिकल का रिजल्टेंट अगर इधर जाता हुआ दिखाई दे, किसको, बी को, अगर ए इस लाइन पर आता हुआ दिखाई दे तो सर्टेनली कोलिजन्स हो जाएगा। तो कोलिजन्स का कंडीशंस क्या होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी एज ऑब्जर्व्ड बाय बी जस्ट पासिस थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग इट, इसको हम लोग कई बार बताए हैं, एक बार फिर से ये बता रहे हैं। अब बी को ऑब्जर्वर मान लीजिए, यहां पर इस बी को आप ऑब्जर्वर मान लीजिए, बी पार्टिकल है, ऑब्जर्वर हो गया। अगर बी ऑब्जर्वर है तो वो अपने आप को रुका देखेगा, और ए अगर इसी लाइन पर आ रहा है तो सर्टिया कोलिजन्स होगा। इसके लिए आप स्टेप क्या लीजिएगा, सबसे पहले इसके कंपोनेंट ले लीजिए, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी ए एक्स, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी ए वाई, यहां पर इसमें भी आप उसी तरह कीजिए, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी बी एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा ऊपर है तो ऊपर कीजिए वी बी वाई। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लीजिए, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी क्या लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, उसको ऑब्जर्वर मानिए, किसी को मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस डायरेक्शन की बात हम करेंगे, एक्स डायरेक्शन पे, तो आप क्या कीजिएगा वी ए माइनस वी बी, किस डायरेक्शन पर आप कंसिडर कीजिएगा, इसको एक्स डायरेक्शन पर कंसिडर कीजिएगा, ये आपका काम होगा विद पॉजिटिव वेक्टर साइन के साथ। उसी के बाद दूसरा ले लीजिए वी ए बी, आपकी बार आप कौन डायरेक्शन में लीजिएगा, वाई ले लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, प्रोजेक्टाइल के साथ आप ले लीजिए, वेक्टर के साथ लीजिए वाई डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑफ। अब आपके पास क्या, इसका रिजल्टेंट को इधर जाना है, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, दोनों का एंगल निकालिए, टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपने निकाला रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी, किसके डायरेक्शन में, पहला लीजिए वाई के डायरेक्शन में, फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और यही थीटा इसका होना चाहिए तभी कोलिजन होगा। तो इस थीटा के लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज टेन थीटा, आप इस लाइन को बढ़ा दीजिए, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको एच वन माने था और इसको पूरा के पूरा एच टू मान लीजिए यहाँ से, तो ये वाला हाइट कितना बच गया हमारे पास, दिस इज एच टू माइनस एच वन, और डी तो आप ले ही चुके हैं, तो व्हाट इज टेन थीटा, दिस थीटा इक्वल टू एच टू माइनस एच वन डिवाइडेड बाई डी, और ये वैल्यू हो जाएगा वी ए बी वाई डायरेक्शन रिलेटिव वी ए बी एक्स डायरेक्शन। इस कंडीशंस को फुलफिल करते हुए जो मिसिंग डाटा होगा निकल जाएगा, ठीक है, चलिए तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, इससे जो भी निकलना होगा निकल जाएगा, लेकिन टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम के लिए तो यही एक बार है, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है और डी डिस्टेंस है, तो वॉट इज टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये बात हमारे पास में टाइम निकल गया। अब पूछेगा भैया आप ये बता दो कहाँ पर कोलिजन्स का पॉइंट्स होता है, तो किसी भी एक वेक्टर को आप कंसीडर कर लो, इसको ले लो और टी टाइम पर जहाँ पर लोकेट होगा वही उसकी कोलिजन्स हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस एक्स निकालेंगे किसके लिए, ए के लिए,
और दूसरा बार क्या निकालेंगे, एस वाई निकालेंगे, किसके लिए, ए के लिए, एंड दिस गिव्स द पॉइंट ऑफ कोलिजन, पॉइंट ऑफ कोलिजन। कितने देर के बाद निकालेंगे इसका लोकेशन, अरे भाई उसी टाइम के बाद जिस टाइम पर है, तो ये जहां पर टी टाइम पर पहुंचेगा दूसरा भी वहीं पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसे पहुंचा और ये ऐसे पहुंचा, तो यहां पर कोलिजन हुआ इसका, और इसको ये लाइन पर कोलिजन नहीं होगा, ये तो हमने एज्यूम करके लगा था, पॉइंट यहां पर कोलिजन होगा और उसकी कोऑर्डिनेट वहां से निकल जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, यहां से यहां तक एस एक्स ए कहेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एस ए बी कहेंगे, जो उस एस ए एस वाई ए कहेंगे, सब एस वाई ए कहेंगे, एक एस एक्स ए है एक एस वाई, यहां से ले रहे हैं हम, इस ओरिजिन से ले रहे हैं कोऑर्डिनेट, ये निकल जाए, ये पॉइंट हमारा कोलिजन पॉइंट। इसको हम लोग बेहतर एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अरे यही कॉन्सेप्ट तो हमने उस प्लेनर मोशन में भी लिया था जब हॉरिजॉन्टल में ले रहे थे, और इसी को तो यहां भी ले रहे हैं। चलिए एक बार फिर से इसका शब्द देखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट की बात है जिसकी मैंने पिछले वक्त में चर्चा किया। और इसमें क्या पूछ रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड समल्टेनियसली फ्रॉम द टू पॉइंट्स एज शोन इन ए फिगर। तो ये फिगर दिया हुआ, क्या फिगर दिया हुआ, ए से यहां पर एक पार्टिकल को फेंका गया और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड है ये है, लेकिन अंडर ग्रेविटी है दोनों, ठीक है। लेट अस सपोज दे हैव अ डी डिस्टेंस सेपरेशन एंड दे कोलाइड इन एयर दिया हुआ है, एक टावर की ऊंचाई है 10 मीटर, दूसरे टावर की ऊंचाई है 20 मीटर। अब आपके पास क्या है भैया, कि ये तो ये नहीं लेना है कि वर्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, चूंकि लेवल पर तो दोनों नहीं है, तो आपका क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर जाना चाहिए, इसके डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर जाता हुआ दिखाई देगा, बी को किधर दिखाएगा, बॉल इधर आता हुआ। तो मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल को आप निकाल लीजिए, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, तो रिजल्टेंट का बॉल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, थीटा। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बढ़िया से समझ लीजिए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी शुड बी लाइन जॉइनिंग टॉप ऑफ टू टावर्स, ये बात हो गया, इसी बात की मैं चर्चा करता हूं। तो चलिए पहले रिलेटिव मैं जो आप बताया था क्या, व्हाट इज द वी ए बी, किसके संदर्भ में, एक्स के संदर्भ में, चलिए एक्स के संदर्भ में लीजिए वी ए माइनस बी बी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वी ए का इधर के कंपोनेंट लीजिए, एक्स डायरेक्शन में यहां दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 10√2 इंटू कॉस 45 डिग्री। चलिए वी बी का इस दिशा में आइए, सीधा 10, लेकिन साइन क्या है, इस दिशा में जाने का मतलब ये निगेटिव, और इस दिशा में जाने का मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव और निगेटिव हटाए, √2 से √2 कट जाएगा, 10 - 10 ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी। अब आइए आपका दूसरा ले लीजिए वी ए बी, वाई डायरेक्शन की भी बात कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा 10√2 sin 45, 10√2 sin 45 का वैल्यू 1, और इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गया 10 मीटर। अब ये दोनों का रिलेटिव आपको इस पर जाना चाहिए, मतलब क्या हो गया, आप इसको यहां पर आ जाइए, ये रिलेटिव क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूरा एक्स डायरेक्शन का, और ये रिलेटिव क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी किस डायरेक्शन में वाई, और ये कितना एंगल पर जाना चाहिए, यही थीटा जो यहां पर उसको दिखाई दे रहा है, ये थीटा। अब ये थीटा के लिए आपके पास ये हाइट पर आ जाइए, यहां पर कितना दिया हुआ है, दिस हाइट इज h2 - h1, और ये गैप कितना दिया हुआ 10 थीटा। अब आइए 10 थीटा यहां से ले लीजिए, ये भी देख सकते हैं, व्हाट इज 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल टू हाइट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी, पी बाय बी होता है ना 10 थीटा, तो पी ये ट्रायंगल आप अगर ऐसे आगे बढ़ाइएगा तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस 20 - 10, और ये डिस्टेंस तो नीचे डी, और इसका वाला वेलोसिटी का क्या आना चाहिए, ये दोनों वेलोसिटीज का हम पहले ही जान चुके हैं कि इन दोनों का डिवीजन आना चाहिए वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी किस दिशा का, वाई का, दूसरा क्या आना चाहिए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी किस दिशा का, एक्स दिशा का। चलिए h2 - h1 20 - 10 डिवाइडेड बाई डी, बोलिए कोई भारी है, बिल्कुल नहीं भारी है, बी ए बी वाई आप ले चुके हैं कितना है 10 है, ये भी सही है, और ये नीचे वाला कितना है 20 हो गया, यहाँ पर से आ जाइए
10 डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 20 डी इक्वल टू 20 मीटर। कितना आसान सा सवाल था, देखने में इतना भारी बदम लगता है लेकिन सवाल तो होता है बहुत छोटा। अब ये पूछते हैं कितना देर में टकरा जाएगा, भैया तो दोनों का वेलोसिटी आप ले लो, इस दिशा में कितना है, इस दिशा में रिलेटिव लेंगे, एक्स डायरेक्शन में कितना 20 और गैप कितना 20, इसलिए टाइम ऑफ कोली, हालांकि पूछा नहीं इसमें, मैं बता दूं कि टाइम ऑफ कोलिजन इसमें नहीं पूछा लेकिन फिर भी मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा टाइम ऑफ कोलिजन। चलिए बताइए कोई लोग हंसाना चाहेंगे, मेरे ख्याल से जो भी लोग इसे व्यू कर रहे हैं आराम से कह सकते हैं, आप ऊपर वाला का मत लीजिए, इस दिशा में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट का बना डी, डी और डी का वैल्यू हमने निकाल चुका और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को एक साथ लेंगे तो वो कितना आ चुका एक्स डायरेक्शन में 20। टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट 20, वेलोसिटी 20, 1 सेकंड या गया, 1 सेकंड में दोनों कोलाइड कर देगा। आप प्रश्न ये उठता कहां पर कोलाइड करेंगे, आप किसको लीजिएगा, 1 सेकंड में यह आगे कितना जाएगा और 1 सेकंड में नीचे कितना जाएगा, बेहतर ढंग से आप ले लीजिए। चलिए थर्ड का एक और निकाल लीजिए, लोकेशन, ये भी नहीं पूछा, मैं फिर अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, लोकेशन क्या हो, आप लोकेशन निकालने के लिए यहाँ से अकेले ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, दोनों में से कोई ले लीजिए, इससे लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट से रेफरेंस देंगे और इससे लेंगे तो यहाँ से देंगे, हम आसान लगता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं। लोकेशन में एस एक्स आई किसके लिए, बी के रेफरेंस में आते हैं, तो क्या हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन ए तो जीरो है ही, यू एक्स कितना है 10 और टाइम टी कितना है बच्चा 1, तो कितने दूर पर करेगा 10 मीटर पर, मतलब एकदम बीचों बीच करेगा, ये तो बात समझ में आ गया कि 10 ऐसे भी था, इधर से भी 10 था और इधर से भी 10 था, तो बीचों बीच करेगा, लेकिन ये नीचे कितना चला जाएगा ये भी आप कंसिडर कर लीजिए, एस वाई बी के लिए कंसिडर कर लीजिए, तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आइए नाउ व्हाट इज द एस वाई, आप एस वाई टी लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इस दिशा में यू वाई टी नीचे की ओर, जीरो कंपोनेंट चूंकि ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला टर्म क्या हो गया जीरो हो गया, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू 10 हो गया और टी का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया 5 मीटर, तो इसका मतलब हो गया 5 मीटर नीचे, यहां से कितना दूर हो गया 5 मीटर नीचे और बीच में, मतलब यहां पर टकराएगा बीच में हो गया और 5 मीटर, मतलब ये अगर 10 मीटर है तो इसके बीचों बीच इस पॉइंट पर कोलिजन, ये पॉइंट कोलिजन हो गया, कोलिजन का कितना हो गया 5 मीटर यहां से और 10 मीटर आगे, फिर इससे बोल गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोलिजन फ्रॉम द ग्राउंड या कोलिजन फ्रॉम द टावर, हम बेहिचक हम लोग कर सकते हैं, और अगर कोलिजन नहीं होगा तो क्या होगा, इसका सवाल का जवाब हम आपको अगले पीरियड में दूंगा, अगले लेक्चर में दूंगा, कोलिजन अगर होगा ही नहीं तब क्या करेगा भैया, ये रिजल्टेंट हो सकता है इसके ऊपर से चला जाए, तब आपको क्या पूछेगा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड व्हाट इज द टाइम व्हेन दे आर एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब आप थोड़ा सा पकड़िए इसको अपनी रेस्ट पर रखने के लिए, और इसका रिजल्टेंट इसको फॉलो अप नहीं किया इसके डायरेक्शन में बल्कि ऊपर से चला गया, तो यहां पर से ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये लेक्चर के लिए मैं एक बार अगले क्लास में आऊंगा, फिर एक बार एडवांस प्रोजेक्टाइल के क्लास में आता हूं और हमारा वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अगर ये मानिए कि कॉन्सेप्ट तो सब कुछ क्लियर हो ही चुका, वो तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल पार्ट हम बताने जा रहे हैं आपको, थोड़ी वहां पर कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन पर आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, मान लीजिएगा बोर्ड लेवल में एनसीईआरटी का तो ये कहीं भी दिखाई भी नहीं देगा, एससी वर्मा में कहीं दिखाई भी नहीं देगा, हाँ आईटी जेईई में ऐसे प्रश्न आपको आते हुए दिखाई देंगे, आप वहां से इसकी तैयारी कीजिए। नीट वाले भी इस लेवल की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, पिछले जो क्लास में बताया गया था ग्राउंड लेवल पर और टावर पर से जो फेंका गया था उसी को पढ़ना रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।